हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोविला पॉइंट। और आज हमें करना है क्लास थ्री की वर्कशीट नंबर 114। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंग्लिश की वर्कशीट को, जिसमें हम लोग क्लास थ्री के मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक से यूनिट वन द मैजिक गार्डन से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माई डियर चिल्ड्रेन, व्हाट ए वंडरफुल डे टू सिंग एंड डांस इन द मैजिक गार्डन। कह रहा है कितना आश्चर्यजनक दिन है, कितना अच्छा दिन है आज की मैजिक गार्डन में नाच और गान, मतलब कि डांस और गाने हो रहे हैं। इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू। कह रहा है वास्तव में मैजिक गार्डन है क्योंकि इसमें परियां भी हैं। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर। वे नाचती हैं, गाती थी जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। और उनका जो नाच गान था, परियों का जो नाच गान था, वो सिर्फ बच्चे ही सुनते थे। और ये इसी यही कारण था कि यह मैजिक गार्डन बन गया था, क्योंकि इस गार्डन में परियां भी आती थीं। अब यहाँ कुछ प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर एंड फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ आपको इन लाइनों को पढ़ना है अच्छे तरीके से और इनमें से यह खोजना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। पुट ए टिक फॉर द करेक्ट। करेक्ट के लिए आप सही का निशान लगाएं एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और जो इनकरेक्ट बात है, स्टेटमेंट है, उसके लिए आप क्रॉस का चिन्ह लगाएं। द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रेन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि फेरीज बच्चों से बात करती थी। यहाँ कह रहा है फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रेन, क्या परियां बच्चों से बात नहीं करती थी? तो ये गलत है, परियां बच्चों से बात करती थी। द विंग्स ऑफ द फेरीज वेयर मेड ऑफ सनशाइन। यस, ये सही है। परियों के जो विंग्स थे वह सनशाइन से बने थे, सूर्य की चमक से, सूर्य की प्रकाश से बने थे। द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट। यस, ये भी सही है कि मैजिक गार्डन पिछली रात नॉइजी था क्योंकि वहाँ नाच गाने हो रहे थे, परियाँ गा रही थीं और भी शोर हो रहे थे। अब कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि हाउ एक्साइटिंग वुड इट बी इफ़ वी हैड विंग्स टू। कह रहा है कितना अच्छा होगा, कैसा लगेगा जब हमारे पास पंख भी हों। इमेजिन, सोचो, इफ़ वन डे यू वोक अप विथ विंग्स ऑन योर बैक। अगर एक दिन तुम जगो और तुम्हारे पीठ पर पंख हों, व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे तुम। शेयर योर थॉट्स विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ इस बात को शेयर करो कि अगर तुम्हारे पास पंख होंगे तो तुम क्या करोगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ए गार्डन इज़ ए होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। कह रहा है कि एक जो गार्डन होता है उसमें बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, कैन यू नेम सम ऑफ दिस एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या तुम कुछ जानवरों के नाम बता सकते हो। यस, तो इसमें क्या होता है, क्रो होता है, बर्ड्स में पैरोट होता है, और उसके बाद क्या होते हैं, मंकी होते हैं, ठीक ना। तो ये सारे बर्ड्स और एनिमल्स गार्डन में होते हैं। अब कह रहा है नेम द एनिमल्स विच लिव ऑन द ट्रीज। तो ट्रीज पर कौन एनिमल्स रहते हैं, तो मंकी रहता है। अब कह रहा ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कौन रहता है, तो ग्राउंड पर आप रैबिट लिख सकते हो।
और यहाँ आप रैबिट लिखिए, रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट ग्राउंड पर रहता है। ओके, तो यहाँ ट्रीज पर रहने वाला एनिमल हो गया और नीचे ग्राउंड पर रहने वाला एनिमल हो गया। उसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव है कि दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण विशेषकर पराली को जलाने से इंसान और पशु पक्षी कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इस पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो चलिए आप चर्चा कीजिए और इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।